हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे सोंठ के लड्डू। सोंठ के लड्डू स्पेशली ठंडियों में खाए जाते हैं, जिससे हमारे शरीर को ताकत मिलती है, हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। तो ऐसे हेल्दी सोंठ के लड्डू हम बनाएंगे आज, वो भी बहुत आसान तरीके से और टिप्स और ट्रिक्स के साथ। इसके लिए मैंने लिया है सोंठ। ये 250 ग्राम सोंठ है, जिसे मैंने अच्छे से पोंछ के आधे घंटे के लिए धूप में रख दिया था, ताकि ग्राइंड करने में आसानी हो। आप चाहो तो सोंठ का पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा ये है गुड़ आधा किलो, और ये है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में मैंने काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता लिया है। उसके अलावा गोंद 150 ग्राम है, छुआरे 250 ग्राम, खसखस, हल्दी, एक सूखा नारियल है और कुछ हरी इलायची। उसके अलावा घी, और यह है आटा। आटा मैं 2 कटोरी यूज़ कर रही हूँ, वज़न में 250 ग्राम है। सबसे पहले मैंने सोंठ का पाउडर बना लिया है, नारियल को घिस लिया है और गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। और यह है छुआरे, जिसको मैंने तोड़ के बीज निकाल के पाउडर बना लिया है। अब हम रखते हैं एक पैन, उसमें मैंने डाला है 2 टीस्पून घी। घी डाल के सबसे पहले हम लोग गोंद को फ्राई करेंगे। गोंद बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, इसे ठंड में खाना चाहिए। इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, जिससे हम लोग कई बीमारियों से लड़ सकते हैं। और ठंड में ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, इससे हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं। अब गोंद फ्राई हो गया है, मैं इसको निकाल रही हूँ। इसी तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा घी डाल के थोड़ा थोड़ा करके पूरा गोंद फ्राई कर रही हूँ। मैं एक साथ गोंद नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके फ्राई कर रही हूँ। इससे घी कम भी लगेगा और गोंद अच्छे से फ्राई होगा। और गोंद को हमें धीमी आंच पे ही फ्राई करना है। अगर हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा करके पूरा गोंद फ्राई हो गया, मैं इसे निकाल रही हूँ। इसे निकाल कर अब सेम इसी पैन में मैं ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। तो ये है काजू और बादाम, जिनको मैं फ्राई कर रही हूँ। किशमिश को और पिस्ता को मैं बाद में फ्राई करूँगी। अब ये भी फ्राई हो गया, मैं इनको निकाल रही हूँ। आप चाहो तो ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड करके भी डाल सकते हो। इन्हें निकाल लिया है। निकाल के अब इसी पैन को मैंने क्लीन करके इसमें मैं सूखा नारियल को ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। ये जो सूखा नारियल है उसको मैंने खींच लिया था, 2-3 मिनट के लिए मैंने इसे धीमी आँच पर फ्राई किया है। अब मैं खसखस 2 टीस्पून है। खसखस के भी बहुत ज़्यादा फायदे हैं, इससे हमारी जो मेमोरी पावर है वो बढ़ती है, हड्डियाँ मजबूत बनती है और भी बहुत ज़्यादा फायदे हैं। उसके अलावा मैंने डाला है घी। घी डाल के अभी मैं इसमें डाल रही हूँ सोंठ का पाउडर। ये 1 पाव 250 ग्राम सोंठ है, जिसको मैंने पाउडर कर लिया है। मैंने छाना नहीं है, डायरेक्ट पाउडर करके मैं ऐसे इसको भून रही हूँ। सोंठ को हमें अच्छे से भूनना है। सोंठ के लड्डू सुनते साथ लोगों को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कड़वे होंगे या इसका टेस्ट अच्छा नहीं होगा, पर ऐसा नहीं है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी। हल्दी ये अराउंड 4 टीस्पून है। हल्दी डाल के मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ। अब आपको लग रहा होगा सोंठ और उसमें हल्दी, कहीं ये लड्डू कड़वे तो नहीं रहेंगे, बट बिल्कुल भी ये लड्डू कड़वे नहीं रहेंगे और बहुत ज़्यादा टेस्टी रहेंगे। ये अगर आपके घर में बच्चे हैं तो वो भी इसे बहुत अच्छे से खाएंगे। अगर आपको यहाँ पे घी कम लग रहा है तो थोड़ा सा और घी ऐड करना। डाल के अभी इसको एकदम खुशबू आते तक धीमी आंच पे फ्राई करना है। इसे फ्राई करने में मुझे 8 मिनट का टाइम लगा है। अब ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गया, इसमें से खुशबू भी आ रही है। मैं इसको भी सेम उसी प्लेट में डाल रही हूँ। अब फिर से उसी पैन में मैंने डाला है 1 टीस्पून घी। घी डाल के अभी मैं इसमें छुआरे का पाउडर डाल रही हूँ। छुआरे को पहले आप फ्राई करके भी पाउडर कर सकते हो। इसके पहले मैंने गोंद के लड्डू का वीडियो शेयर किया है, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है और टेस्टी है। अभी मैंने डाला है किशमिश। किशमिश को मैंने पहले फ्राई नहीं किया था, मैं छुआरे के साथ फ्राई कर रही हूँ। अगर हम लोग डायरेक्ट किशमिश डालेंगे तो लड्डू ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर पाएंगे। अब ये हो गया, मैं इनको भी निकाल रही हूँ। फिर से मैं इसमें डाल रही हूँ घी। घी डाल के अभी मैं इसमें डाल रही हूँ आटा। आटा मैं 2 कटोरी डाल रही हूँ। आटा डाल के धीमी आँच पर इसको अच्छे से भुनना है, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और इसमें से भी खुशबू आए। तो यहाँ पर मैं गैस का फ्लेम स्लो करके इसको अच्छे से भून रही हूँ। अगर आपको घी कम लग रहा है तो आप 1-2 टीस्पून और घी डाल देना। घी डाल के इसको एकदम अच्छे से भुनना है। इसमें बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहना चाहिए। अगर कच्चापन रहेगा तो मुँह में तो लगेगा ही और लड्डू ज़्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रख पाएंगे। अभी हम देखते हैं बाकी चीज़ें। सारी चीज़ें फ्राई होके रेडी हैं, अभी हम लोग आगे की तैयारी करते हैं। मैं गोंद को यहाँ पे क्रश कर रही हूँ। क्रश करने के लिए मैं पोटैटो मैशर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो बेलन या फिर इस तरीके का मैशर या फिर हाथ से भी इसे तोड़ सकते हैं, बट इसे हमें मिक्सी में ग्राइंड नहीं करना है, बस इसे दरदरा कूटना है। दरदरा कूटने से खाते समय ये मुँह में लगता है तो टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। अब ये हो गया है। अब मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ छुआरे का पाउडर।
छुआरे का पाउडर डाल के एकदम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद मैं खसखस को ग्राइंड कर रही हूँ, इसी में मैंने इलायची भी डाल दिया है, डाल के मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ। ग्राइंड करके अब इसको भी सेम इसी प्लेट में डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। ये लड्डू स्पेशली जिनकी डिलीवरी होती है उनको दिया जाता है ताकि उनकी कमज़ोरी दूर हो। ये उन्हीं के लिए नहीं, बच्चे बूढ़े सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, स्पेशली ठंडियों में। अब आटा भी काफ़ी अच्छे से भुन गया, आटे में से भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया और इसको मैं इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आटा को भुनने में मुझे 10 मिनट लगा, धीमी आंच पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स करते हुए भुना था। अब सारी चीज़ें मिल गई है, अभी हम लोग गुड़ का सिरप बनाते हैं। उसके लिए मैं सेम उसी पैन में 2 टीस्पून घी डाल रही हूँ, डाल के क्रश किया हुआ गुड़ इसमें डाल रही हूँ। डाल के हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है धीमी आँच पर, और इसको सिर्फ हमें मेल्ट करके सिरप बनाना है, चाशनी नहीं बनाना है, इसको सिर्फ पिघलाना है। इसको तब तक पकाना है जब तक कि इस तरीके से ये पिघल ना जाए। बस जब ये इतना पिघल जाएगा उसके बाद इसको लड्डू के मिक्सर के ऊपर डाल देंगे, डाल के इसे तुरंत हमें अच्छे से मिक्स करना है। ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, बस बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पिस्ता, पिस्ता को मैंने बारीक काट लिया है, मैं इसको डाल रही हूँ। डाल के अब हम लोग सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करके उसके बाद हम लोग इसके लड्डू बनाएंगे। जनरली लड्डू बनाते समय लास्ट तक लड्डू अच्छे से नहीं बन पाते, जैसे ये ठंडा हो जाता है उसके बाद लड्डू बनाने में परेशानी होती है। तो इसमें मैं वो भी टिप्स बताने वाली हूँ और ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिससे आप लोग लड्डू अच्छे से बांध सकते हैं पूरे इंड तक। अभी ये जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, मतलब हैंडल करने लायक हो जाएगा, उसके बाद इसके लड्डू बनाना है। लड्डू बनाने से पहले सारे मिक्सर को एक तरफ अच्छे से इस तरीके से दबाते हुए रखना है ताकि इसमें हीट बना रहे, गर्म रहे। उसके बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा लेके इसका लड्डू बनाएंगे। ये लड्डू स्पेशली ठंड में खाना चाहिए। अगर रोज़ एक भी लड्डू खाते हैं तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, हड्डियों में जो पेन्स होते हैं, जॉइंट्स में, बैक में जो पेन्स होता है वो भी नहीं रहेगा, और इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगी। अब लड्डू आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट बना है। इसी तरीके से हम लोग सारे लड्डू बनाएंगे, तब तक बनाएंगे जब तक कि हमारे लड्डू अच्छे से बन नहीं जाते। और जब ये इसका मिक्सचर ठंडा हो जाएगा, लड्डू नहीं बन पाएंगे, तब हम लोग लेंगे एक मिक्सी का जार और उसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा इसका मिक्सचर डालेंगे। डाल के इसको हल्का सा ग्राइंड करेंगे। हल्का सा ग्राइंड करने से क्या होगा कि इसका जो गुड़ है वो हल्का मेल्ट हो जाएगा और घी भी थोड़ा सा पिघल जाएगा। ऐसा होने से लड्डू बांधने में बहुत आसानी होती है। जनरली जब ये लड्डू नहीं बनता है तो लोग इसमें और घी गर्म करके डालते हैं या चाशनी डालते हैं, वैसा करने से ये लड्डू बहुत हैवी हो जाएंगे। पर इस तरीके से करने से आप देखिए लड्डू बनाने में बहुत आसानी हो रही है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। अब आप देख सकते हैं मैंने पूरे लड्डू बनाए, लास्ट वाला लड्डू भी मैं उतने ही आसानी से और आराम से बना रही हूँ जितना कि मैंने पहला लड्डू बनाया था। अगर आप ये ट्रिक्स फॉलो करोगे तो आपके लड्डू आखिरी तक बहुत अच्छे से बनेंगे। अब लास्ट वाला भी लड्डू बन गया है, पूरे लड्डू बन के रेडी हैं। अब मैं इसे कर रही हूँ सर्व। अब आप भी ये टेस्टी और हेल्दी सोंठ के लड्डू ज़रूर बनाइए, और अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।